एक त्रिभुज एबीसी में एंगल सी बराबर है 3 गुना एंगल बी के बराबर है 2 गुना ब्रैकेट एंगल ए जमा एंगल बी के। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, इसके तीन कोण हैं, आपने बताना है कि तीनों कोण आपके कितने कितने एंगल के हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंगल सी बराबर है 3 गुना एंगल बी के बराबर है 2 गुना ब्रैकेट एंगल ए जमा एंगल बी के। आपको पता है कि तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों को बराबर ले रहा हूँ, फिर मैं इन दोनों को बराबर ले रहा हूँ, यानी एंगल सी बराबर हो जाएगा 3 गुना एंगल बी के और 3 गुना एंगल बी, यानी कि ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हैं। तो सोल्व कर लेते हैं, तो पहले से सोल्व हैं, 3 एंगल बी जमा 2, दोनों से गुना हो जाएगा 2 एंगल ए जमा 2 एंगल बी। 3 एंगल बी यहाँ पर ही प्लस में, इधर आगे हो जाएगा माइनस में, तो 3 में से 2 जाएंगे तो एंगल सिर्फ बी बच जाएगा, डबल ऑफ एंगल ए के। 2 यहाँ पर है गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में एंगल एक। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं अपनी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री के। आप यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास ये है, एंगल बी भाग में दो जमा एंगल बी को हमने नहीं छेड़ा है, जमा एंगल सी की वैल्यू हमारे पास है 3 गुना में एंगल बी बराबर है 180 डिग्री के। हमने क्या किया है कि एंगल ए को बी में बदल दिया है, एंगल सी को भी बी में बदल दिया है, बी तो हमारा बी ही रहेगा, इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। तो 1 और 3 मेरे पास 4 हो जाएंगे, एंगल बी भाग में 2 जमा में एंगल बी गुणा में हो जाएगा 4 के, 3 और 1 हो जाएंगे 4 बराबर है 180 डिग्री के, बटे में 1 लिख देंगे। 2 और 1 को गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा 2, 1 और 1 को गुणा करूँगा तो सिर्फ एंगल बी ही बचेगा, प्लस बीच में तो 20 में प्लस आएगा, 2 और 4 को गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा 8 एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। 1 और 8 9 एंगल बी भाग में 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। एंगल बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 यहाँ पर भाग में है, इधर आके हो जाएगा गुणा में 9 यहाँ पर गुणा में, इधर आके हो जाएगा भाग में, तो एंगल बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 डिग्री। तो हम इसी से ही एंगल ए निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो एंगल ए है, एंगल बी भाग में 2 है, एंगल बी हमारे पास आए हैं 40 बटे में 2 हो जाएगा, तो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 20 डिग्री। वैसे ही हम निकालेंगे एंगल सी को, एंगल सी की जो वैल्यू हमारे पास है 3 गुना में एंगल बी, यानी कि 3 गुना में 40 तुम्हारे पास हो जाएगा 4 × 3 = 120 डिग्री। तो दोस्तों आपके सभी एंगल आ गए हैं, एंगल ए बराबर हमारे पास है 20 डिग्री। तो आप क्वेश्चन को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एंगल ए हमारे पास है 20 डिग्री, एंगल बी हमारे पास है 40 डिग्री और एंगल सी हमारे पास है 120 डिग्री। आप जोड़ेंगे तो सभी का योग मेरे पास आएगा 180 डिग्री। दोस्तों यही है आपका उत्तर।